अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सिस्टर ने कमेंट में मेंशन किया है कि उन्हें 6 मंथ से कफिंग है। सिस्टर आप 6 मंथ ज़रा ड्यूरेशन चेक करो, काफ़ी टाइम से आप मतलब इग्नोर कर रही हो। काफ़ी अरसे से आपको कफिंग है और आप कफिंग सिरप के पीछे पड़ी हुई है। देखिए सिस्टर, अगर आप 10 साल भी कफिंग सिरप यूज़ करोगी तो इससे ठीक नहीं होगा। जब तक अंडरलाइन डिजीज या कॉज का पता ना चले तब तक आप इस तरह ठीक नहीं हो सकती। देखिए आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे और किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अ सिंगल इन्फेक्शन कैन कॉज कैंसर इफ यू इग्नोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम छोटा जख्म को इग्नोर करें, अगर वो काफ़ी अरसे से वो भी कैंसर कॉज कर सकता है, तो फिर एंड स्टेज भी जब हम आते हैं ना, फिर हम सोचते हैं क्यों अब पहले क्यों नहीं करवाया। तो यही तो हमारी गलती होती है। आप जो है ना, अभी से जाए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और अच्छे स्पेशलिस्ट जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट और चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी। और इस तरह लोगों की बातों में ना है कि ये कफ सिरप अच्छा है, आप ये पी लें और ये यूज़ करें तो इससे ठीक हो जाओगी ना। इट्स ऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।